पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने गठबंधन के सहयोगी रहे MQM के विपक्ष से मिलने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही सदन में बहुमत खो दिया है। 342 सदस्यों वाली पाकिस्तानी संसद में मौजूदा आंकड़ा इमरान के खिलाफ है। MQMP के 7 सांसदों ने साथ छोड़ा तो इमरान ने सदन में बहुमत खो दिया है। इमरान को बहुमत के लिए 172 सांसद चाहिए, लेकिन अब 164 ही बचे हैं। MQMP के चीफ खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम सहिष्णुता और सच्चे लोकतंत्र की राजनीति के लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। 5 सांसदों वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP ने पहले ही बताया था कि वो इमरान सरकार के खिलाफ वोट करेगी। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अब विपक्ष के पास 175 सांसद हैं। विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ के नेतृत्व में इमरान खान को हटाने के लिए एकजुट हैं, और अगर इमरान हटे तो पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री भी शाहबाज शरीफ ही बन सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनसे जब पूछा गया कि क्या इमरान खान इस्तीफा दे देंगे तो उन्होंने कहा, किसी भी हालत में नहीं, वो अंतिम गेंद तक खेलेंगे। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। आपका हमारे चैनल आज तक पर विश्वास हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करते रहें और देखते रहें आज तक।